इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को एक साल पूरा हो गया है। हालांकि इसके खत्म होने के किसी भी तरह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बीते साल 7 अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था। इसके बाद से इसराइल ने हर दिन गाजा और फिलिस्तीन के सीमा क्षेत्रों पर हमला किया है। हमास के ठिकानों के अलावा इजरायली सेना लेबनान पर भी हमला कर रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो लेबनान को दूसरा गाजा बना देगी। गाजा पट्टी के हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। स्थानीय इलाके में लगातार बमबारी की जा रही है। हर 10 मिनट पर एक बड़ा धमाका होता है। इस वजह से गाजा का आसमान काले धुएं के गुबार से ढक चुका है। अब ताजा हमले में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में एक स्कूल पर बड़ा भीषण हमला किया है। इस हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। IDF को आशंका थी कि इस स्कूल को हमास के आतंकवादी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए स्कूल को टारगेट करके ये हवाई हमला किया गया। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इसराइल का कहना है कि वह हमास के उकसावे का जवाब दे रहा है। हालांकि गाजा पट्टी के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इसराइल के हमलों में अब तक लगभग 42,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर निर्दोष बच्चे और महिलाएं हैं। घायलों की संख्या 1,00,000 से भी अधिक हो चुकी है। वहीं दुनिया के बड़े देशों और संगठनों ने मध्य पूर्व के बिगड़ते हालात को लेकर कई चेतावनी जारी की। तमाम कोशिशों के बीच भी शांति वार्ता पर बात नहीं बन पाई। इस बीच इसराइल की ओर से गाजा और लेबनान पर हवाई हमले जारी रहे। हालात ने गंभीर मोड़ तब ले लिया जब इसराइल ने 1 अक्टूबर को दक्षिण लेबनान में प्रवेश कर जमीनी कार्रवाई शुरू की। 23 सितंबर से इजरायली सेना हिजबुल्ला के साथ बढ़ते तनाव के बीच लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। 8 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली सेना की ओर से लेबनानी इजरायली सीमा पर गोलीबारी की जा रही है, जबकि गाजा पट्टी में हमास और इसराइल के बीच युद्ध जारी है। ये हवाई अभियान पिछले साल हमास के इजरायली हमले के बाद बढ़े हैं।